नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां। बिहार के कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही वार्ड नंबर 10 से जबरन जमीन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। विगत कई वर्षों से वह जमीन को जबरन कब्जा कर बैठे हुए हैं। वहीं पीड़ित परिवार कई बार प्रशासन के दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते थक हार गए हैं, पर अभी तक पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दमंगी मेरे पड़ोसी श्री बुद्धूराम पासवान, पिता स्वर्गीय नींबू पासवान उम्र 60 वर्ष, कमलेश पासवान, लक्ष्मी देवी, योगेंद्र पासवान, संतोष पासवान, चंदन पासवान सभी साकिम ललिहाई के निवासी हैं, जो कि विगत कई वर्षों से हमें अपने ही जमीन पर प्रताड़ित करते हुए कब्जा कर बैठे हैं, जो कि हमारे समाज में कई बार इस मामले को लेकर विचार विमर्श भी किया गया, लेकिन उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकल पाया। फिर मैंने जिला पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा, एसपी साहब के दफ्तर में भी अपना ज्ञापन सौंपा, पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ सांत्वना ही मिलता जा रहा है। इसके पहले भी कई बार सरकारी अमीन के द्वारा जमीन का जब मापी किया जा रहा था, उस वक्त भी रोक दिया गया और मेरे साथ जबरन मारपीट भी किया गया। हम बेबस निर्धन आदमी जाए तो जाए कहाँ। अब तो प्रशासन से भी मेरा भरोसा उठता जा रहा है। पुनः जब हमने मापी के लिए आवेदन किए थे सरकारी अमीन के साथ सहायक थाना के एसआई के सामने भी काफी तूतू-मैं-मैं किया गया दमंगियों के द्वारा। फिर 15 दिन का समय ले लिया गया और प्रशासन ने भी उसे 15 दिन का समय दे दिया। आखिर यह 15 दिन समय होता क्या है? पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर हमें प्रशासन की तरफ से ये न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी परिवार आत्महत्या कर लेंगे। अब देखना लाजमी होगा कि प्रशासन इस पर कब तक संज्ञान में लेते हुए क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट कटिहार।
का ये दो व्यक्ति के बीच में जो है, दो परिवार के बीच में जमीन को लेकर कुछ मामला सामने आया है, इस विषय में आप क्या जानते हैं, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय आदमी हैं? देखिए, जानने के लिए तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत लंबी कहानी है इसका। रोड काट में अभी जिसका कागज है उसका जमीन है, हमें तो नहीं जानते हैं, जिसका कागज है उसका जमीन है, बात खत्म। आपको क्या लगता है कि जो है उसका नाम जानते हैं, जो जिसका कागज जिसके नाम से अभी है, बना हुआ है पॉकेट में? अच्छा, उसके नाम से जमीन अभी तत्काल में है। हाँ, आपकी का है उसी के नाम। तो आपका अपना पिक्चर बता दीजिए। बस गलियाई जहाँ खड़े हैं बगल में जस्ट। नाम बता दीजिए। मोहम्मद रफी खान। सर, अपने जमीन लिए हैं, ठीक, मेरी सास के नाम से है वो जमीन पे। हम लोग घेरवा करवाने आते हैं तो घेरने नहीं देते हैं, और सब गाली उली बहुत गंदा देता है, प्रशासन को बुलाता है, रोकवाता है। सुनने में आया है कि जो है जमीन को लेकर के जो है कुछ लोगों को लेकर आता है। हाँ, वो लोग गुंडा लेके आता है, वो अपने तरफ से गुंडा लेके आता है, और हम लोग को मारपीट भी करवाया है, रोका है इस जमीन को। और हम चाहते हैं कि मेरा बाउंड्री हो अच्छे से, मेरा पूरा घेरा चाहिए हमको। सबसे यही निवेदन है कि हमको मेरा पूरा जमीन अपना चाहिए। बाउंड्री किया हुआ था 9 साल पहले, बाउंड्री तोड़ के वो लोग इधर से रास्ता बनाए, सरकारी रास्ता रहते हुए सरकारी रास्ता में वो लोग घेर लिया। क्या क्या लगता है कि ये अब लोगों को न्याय मिल पाएगा? अब हम लोग तो इतना दिन से खेल रहे हैं, अभी इतना दिन से तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तक नहीं न्याय मिला है, अभी भी हम लोग करवा रहे हैं तो उसमें भी रोक रहा है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि वो आके मेरा जमीन पूरा घेर के मेरे हाथ को सौंप दे, वो और कुछ नहीं चाहिए हम। परिचय बता। मेरा नाम अनीता कुमारी है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ये जमीनी नापी का मामला था और जमीनी विवाद का है। जमीन नापी आज होना था सरकारी अंचल पदाधिकारी के द्वारा, अमीन के द्वारा यह नापी आज का डेट का था, और अमीन साहब आए, नापी किए। नापी करने के पहले बहुत अरंगा लगाया गया विपक्षी द्वारा, बुद्धूराम पासवान, लक्ष्मी देवी, कमलेश पासवान, चंदन पासवान, संतोष पासवान, अन्य उनके जो साथी संगाती उनके द्वारा जो है बहुत परेशान किया गया। बाद में प्रशासन के द्वारा नापी करवाया गया, और प्रशासन नापी करके उनको समझाया कि आप विवाद मत कीजिए, क्योंकि इसका निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन में 9 साल से ही मामला चल रहा है। मेरा बाउंड्री किया हुआ है, 8 साल 9 साल पहले मैंने बाउंड्री किया था, और बाउंड्री के बाद जो हमने तो उसके बाद जो है विपक्षी मेरा तोड़ दिया। उसके बाद मैंने SDO कोर्ट में केस किया, उसका अपील भी है मेरे फेवर में। लक्ष्मी देवी का यही कहना था कि मैं मकान बना रही हूँ, मकान बनाने के बाद बाउंड्री में जोड़ दूँगी, और आज तक वो बाउंड्री अपने खर्चे से ना जोड़ी है और ना हम लोगों को रहने के लिए रूम बनाने देती है, ना नापी करने देती है ठीक से। आज प्रशासन के द्वारा नापी किया गया, और भी नापी में बहुत सारी अरंगाई लगाई गई इन सभी अभियुक्तक द्वारा, और अभी भी नापी मेरा अधूरा है। अभी भी उनके द्वारा ये कहा गया कि हमको 15 दिन का समय दिया जाए, और 15 दिन का समय उनके पहले भी मैंने समय दिया लगभग। ये 15 दिन का जो समय मांग रहा है वो किस के लिए जो मांग रहा है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनका रास्ता होते हुए निजी रास्ता, रोड पे जब उनका जमीन है, घर है, तो फिर वो 15 दिन का समय क्यों लिया जा रहा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और प्रशासन भी उनको सपोर्ट कर दिया कि 15 दिन का समय दे दिया जाए, ये बहुत अजब बात है। मैंने कुछ अलग सा बात है कि हम न्याय मांगना चाहते हैं, न्याय मुझे मिल नहीं रहा है। DM पास, माननीय जिला पदाधिकारी के पास मैंने आवेदन दिया, SDO पदाधिकारी के पास मैंने आवेदन दिया, SP साहब के पास मैंने आवेदन दिया, CO साहब के पास आवेदन दिया, लेकिन अब तक थाना पदाधिकारी के पास, थाना अध्यक्ष महोदय के पास भी मैंने पदाधिकारी के पास दिया आवेदन, लेकिन अब तक मुझे न्याय नहीं मिली, और अभी भी मेरा काम आधा अधूरा है। आज जो है नापी जो हो रहा था, क्या आज प्रशासन की तरफ से कोई इसमें यहाँ पर आए थे? प्रशासन की तरफ से आए थे, उनके
सहायक थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा डिपुट किया गया जो आलोक कुमार जी थे एएसआई उनके द्वारा आए, उनको समझाया बुझाया गया, तब जाके कहीं जाकर नापी हुआ, अन्यथा वो तो हमें नापी ही नहीं करने देते, क्योंकि वो गुंडे के साथ सारे गुंडे को बुला करके हथियार उत्थर के साथ पहुँच करके वो हम लोग को रोकते हैं कि तुम्हारा जमीन नहीं है, मेरे पास के वाला है, खतियान है, सब कुछ रहते हुए मुझे रोका जाता है। जमीन पहले किसका था ये? जमीन मेरे मामा जी के नाम से था और मैंने अपने मामा जी से, मैं अपने माँ के नाम से उसके बाद ट्रांसफर करवाया, रजिस्ट्री करवाया, उसका केवाला भी कटता है, रजिस्ट्री कागज भी है। तो ये हम गरीब आदमी हम कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे। हमने तो अपने जिला पदाधिकारी महोदय उसके पास भी आवेदन 1 तारीख को दिया और मैंने आवेदन के साथ दरखास्त किया कि आप इन समस्याओं को हल कीजिए, लेकिन समस्या मेरा हल नहीं हो रहा है, समस्या और मेरा बढ़ ही रहा है। ये मेरा जमीन, निजी जमीन, 9 साल से हम लोग परेशान है और मेरा जमीन अभी तक खाली है, ये प्लॉट पूरा खाली है। मेरा ईंटा रखा हुआ है 2000, मतलब बालू रखा हुआ है, लेकिन बालू मेरा घट गया है और मुझे शक है ये जमीन ये इनके तो विपक्षी के द्वारा कि नहीं दूसरे के हाथों बेच दिया जाएगा, मुझे ये डर है और किसी दिन मेरी हत्या की जाए कर दी जाएगी विपक्षी के द्वारा, नहीं तो मेरे परिवारों के साथ ये हादसा हो सकता है। इसलिए मुझे आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मुझे न्याय दिलवाने का प्रयास कीजिए। डीएम साहब, एसपी साहब को मैंने दरखास्त दे चुका है लेकिन कार्रवाई के नाम से कुछ नहीं हुआ है। क्या इसी क्या, तरह क्या, से क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि प्रशासन से कोई काम होने वाला नहीं है। प्रशासन उनको 15 दिन का समय दे दिया और 15 दिन का समय मेरा निजी जमीन है, फिर उनको 15 दिन का समय क्यों दिया गया? उनको मेरा निजी जमीन है, मुझे बाउंड्री करने का बाउंड्री किया हुआ है, उसमें जोड़ना था, मुझे जोड़ने नहीं दिया गया। मैंने पिलर लाया, पिलर नहीं गाड़ने दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मैं यही आप लोग से आग्रह करता हूँ। समाज के लोग भी जानते हैं और ये मामला आज का नहीं है, लगभग 9 सालों से चल रही, इससे पहले भी मेरा जमीन नापी था 11/3/2022 को, उस बार भी इन लोगों ने जमीन सरकारी जमीन को बाधा डाला, नापी नहीं करने दिया। मैंने उसके बाद FIR किया, मेरा केस नंबर 128/2022 है, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई विपक्षी पर। अब विपक्षी हमेशा, जब भी मैं आता हूँ यहाँ, मेरे परिवार के सदस्य कोई भी आते हैं तो गाली गलौज उनके द्वारा किया जाता है। मुझे न्याय चाहिए, न्याय ना, अन्यथा न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को आग लगा के आत्महत्या कर लूँगा और मैं पदाधिकारी को अपने कोई ज्ञापन नहीं दूंगा। मैंने ज्ञापन दे चुका है, मैं DM साहब को 2 बार ज्ञापन दिया, SP साहब को 1 बार दिया, अंचल पदाधिकारी साहब को 2 बार दिया, थाना अध्यक्ष महोदय को 2 बार दिया, लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ नहीं मुझे मिला, 0 है। मुझे जमीन पे रहने के लिए मजबूर नहीं, मैंने मुझे रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आज एक झोपड़ा लगा रहे हैं, उसमें भी परेशानी कर किया जा रहा है कि नहीं झोपड़ा नहीं लगाने जा रहे हैं, वो बाउंड्री तोड़ दिया गया है। उनका जमीन का रास्ता उसका दक्षिण साइड से है, वो दक्षिण साइड से रास्ता नहीं निकाल के, उनका दक्षिण साइड से रास्ता है वो रास्ता नहीं, ब्लॉक कर लिया। और मेरे जमीन पे उनका ये गाड़ी रखा हुआ है विपक्षी का, कमलेश पासवान का, वो गाड़ी मैंने हटाने बोला तो वो मुझे धमकी देता है कि मैं थाना पुलिस को बुला दूंगा और पिटवा दूंगा। ये समस्या मेरी समस्या